लगातार गंभीर बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। आईटीआई जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 दर्ज किया गया, तो वहीं सत्यवती कॉलेज के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 नजर आया है। तो वहीं आईटीआई शाहदरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बता दें कि 328 दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से आम लोगों का जनजीवन काफी इस वक्त अस्त व्यस्त बना हुआ है। काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और छठ से पहले दिल्ली की हवा खराब हो चुकी है। यमुना में झाग नजर आता है, प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ दिखता है। तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार खराब श्रेणी में ही दर्ज किया जा रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली का मौसम इस वक्त नजर आ रहा है, ऐसे में ठंड की दस्तक भी शुरू हो चुकी है सुबह के वक्त, और देर शाम को जब सूरज जल्दी ढल जाता है तो लोगों को ठंड का भी एहसास होना शुरू हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद से ही लगातार AQI 400 के करीब बना हुआ है। फिलहाल आज की भी बात करें तो आज भी 350 के ऊपर AQI जो है वो राजधानी में दर्ज किया गया है। इस वक्त ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी आईटीओ पे है और यहाँ की भी अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध जो है वो यहाँ पर खास तौर पर देखी जा रही है। ये रास्ता अगर बात करें तो गाजियाबाद की तरफ जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा स्मॉग है, इतना ज्यादा प्रदूषण है कि आगे का जो तस्वीर है वो भी साफ नजर नहीं आ रही है। लगातार प्रदूषण को देखते हुए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। वहीं अगर आज बात करें तो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन जो है वो भी आज सरकार शुरू करने जा रही है ताकि जो लोग हैं वो खुले में आग ना जलाएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूट जो है वो पॉल्यूशन में करता है। फिलहाल लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिर उनको कितनी ज़्यादा दिक्कत जो है वो पॉल्यूशन से हो रही है। सर हम देख रहे हैं आपने भी मास्क लगाया हुआ है, पॉल्यूशन से कितनी प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम। जहाँ देखो वहीं हो रहा है। एक तो फरारी जलाते हैं तो उसकी वजह से भी जाते हैं और वैसे प्रदूषण भी यहाँ पर वैसे ज़्यादा है। और यहाँ क्या हर जगह ही है, दिल्ली शहर के अंदर पूरी जगह पे ही है। क्या दिक्कत हो रही है सर, सांस वगैरह लेने में दिक्कत हो रही है? हाँ, सांस लेने में दिक्कत होती है। जब प्रदूषण आता है तो सांस में दिक्कत होती है, इसलिए लगाते हैं। तो देखिए लोग जो है मास्क लगा रहे हैं। आपका अपने जॉब के लिए? नहीं, मैं कॉलेज जा रही हूँ, रेगुलर मेरा कॉलेज है। पर यहाँ से ज़्यादा टाइम बस में बहुत मतलब प्रदूषण उठता है, मतलब होता है तो डस्ट उड़ती है तो बहुत खांसी और छींक वगैरह आती है। तो अब मास्क लगाने की ज़रूरत है फिर से शायद लोगों को। बिल्कुल, तो देखिए मास्क लगाने की ज़रूरत है, लोग भी यही जानते हैं और इसीलिए लोग जो है इसका इस्तेमाल जो है वो भी कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर ख़ास तौर पर जब बच्चे और बूढ़े, उन लोगों के लिए ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं क्रूशियल हो जाता है और दिक्कत वाला हो जाता है, क्योंकि जैसे सर्दी आती है प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता है। आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है प्रदूषण? पॉल्यूशन है, अभी प्रदूषण है, जब अभी दीपावली बीती है उसके बाद थोड़ा सा पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया है। हो सकता है जो पड़ोसी राज्य है, हरियाणा हो, पंजाब हो, वहाँ से पराली जलाने का भी जो है सो पॉल्यूशन जब हवा बहती है तो उसके कारण इस पड़ोसी राज्य में जो है सो आ जाती है, तो उसका भी असर होता है यहाँ पर। सर, आप लोगों की बात करें तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? सांसों में दिक्कत होती है, सर्दी खांसी जैसे वो बलगम जो है सो बनना शुरू हो जाता है, ये दिक्कत होती है। बच्चों को खांसी से परेशानी होने लगती है, बूढ़ों को जिनको की जो 60 साल से ऊपर है उनको सांसों की दिक्कत होती है और वो सर्दी खांसी जुकाम से परेशान हो जाते हैं, ये है। तो देखिए साफ तौर पर तमाम लोगों से हमने बातचीत करी और उन्होंने बताया किस तरीके से जब वो सांस लेते हैं तब उनको प्रॉब्लम हो रही है और लगातार अगर खांसी जुखाम की बात करें तो वो बना रहता है, क्योंकि प्रदूषण जो है वो अंदर से हमें जकड़ लेता है और लगातार हमारी सेहत को ख़राब करता है। इसीलिए हम लोगों से भी अपील करेंगे कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि वो अपनी सेहत को भी तंदुरुस्त रख सकें। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स दिल्ली। तो प्रदूषण का स्तर दिल्ली में किस तरीके से लोगों के ऊपर हो रहा है ये तो आपने सुना, लेकिन अब ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण की स्थिति क्या है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी अकरम खान की रिपोर्ट। दीपावली के बाद ग्रेटर नोएडा में अब एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लोगों की सांसों और मुश्किलों पर असर डालना शुरू कर दिया है। बेहद लोगों को परेशानी हो रही है,
इस समय ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है, जो कि लोगों को बेहद परेशान कर रहा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखाएं किस तरह से जो ग्रेटर नोएडा में आप आसमान पे देख सकते हैं किस तरह से जो अंधेरा है वो छाया हुआ है, और लगातार इसकी वजह से ही प्रदूषण के कण जो है वो लोगों तक परेशानियां पहुंचा रहे हैं। और मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के रियान गोल चक्कर के पास, जो कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा वन के पास है, वहां पर खड़ा हुआ हूं, जहां कई सारे स्कूल हैं, लेकिन यहां पर तमाम तरीके की मुश्किलें हो रही हैं। और इसके साथ ही बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर ग्रेटर नोएडा में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने एक जूम मीटिंग की, जिस पर पर्यावरण और एनजीटी से जुड़े लोग थे। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि जहां जहां एनजीटी और ग्रेप 2 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वहां समिति बनाकर और सचल दस्ते बनाकर जांच की जाए, और इसके साथ ही जुर्माना लगाकर एनजीटी और ग्रेप 2 के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों में चिंता का विषय है, और इसको ही लेकर तमाम जागरूक लोग भी अपनी तरफ से मुहिम चला रहे हैं। और अब ग्रेटर नोएडा में जगह जगह आप लोगों को मास्क पहने हुए देख सकते हैं, जबकि लोगों का कहना है कि अगर आने वाले दिन में अगर कुछ बारिश या मौसम ठंडी हवा चलती है तो ही इस जहरीली हवा से राहत मिल पाएगी। लेकिन जिस तरह से तेजी से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को बेहद मुश्किलें अब ग्रेटर नोएडा में सामने आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि जूम मीटिंग पर जो जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वो धरातल पर कितना सही उतर पाते हैं और कितनी रोक ऐसे लोगों पर लग पाती है जो नियमों का उल्लंघन कर लोगों को मुश्किलों में डाल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान। वहीं प्रदूषण को लेकर दिल्ली से हमारे सहयोगी आयुष शर्मा की अब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज की सुबह दिल्ली वालों के लिए राहत की सुबह साबित हुई है, क्योंकि आज दिल्ली का AQI कम हो गया है। जी हाँ, ये हैरत की बात है। सेंट्रल दिल्ली में आज AQI पिछले दिनों के मुकाबले 20 पॉइंट तक कम रिकॉर्ड किया गया। कल जो AQI था सेंट्रल दिल्ली का दोपहर के वक्त, वो रिकॉर्ड किया गया था 370, और इस वक्त मैं जब इंडिया गेट के सामने मौजूद हूँ तो यहाँ पर AQI 350 दर्ज किया गया है। हालांकि वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कर्तव्य पथ के सामने इंडिया गेट है और इंडिया गेट की जो तस्वीर है देखिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, हल्की सी हवाएं चल रही हैं तो फॉग है, लेकिन फॉग में जो वो स्मोक के जहरीले तत्व मिलते थे जो इसे स्मोग बनाया करते थे, उसमें कमी आई है। आमतौर पे जब हम यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग किया करते थे तो गले में खराश और आंखों में जलन जैसी समस्या भी होती थी, लेकिन आज उस चीज से कहीं ना कहीं थोड़ा सा, बहुत माइन्यूट हम कहेंगे कि आराम मिला है। और ये आराम सिर्फ इसीलिए मिल पा रहा है क्योंकि दिल्ली में पिछले कई दिनों से, दिवाली के बाद से ही हवाएं चल रही है, और ये जो हवा है ये प्रदूषण को आगे की ओर लेके जा रही है। यह स्थिति है राजधानी दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली इलाके की। लेकिन अगर बात की जाए कि प्रदूषण के जो हॉटस्पॉट्स बने हुए थे, यानी कि आनंद विहार जैसा इलाका, बवाना जैसा इलाका, नरेला जैसा इलाका या सफदरजंग एयरपोर्ट जैसा इलाका, ये वो जगहें थी जहां पर AQI सबसे ज्यादा दर्ज किया गया था। देखिए, आनंद विहार की स्थिति अभी भी खराब है, और उसके खराब होने का कारण यह है कि वहां पर स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेज आती है उत्तर प्रदेश की तरफ से, वो डीजल ऑपरेटेड बसेज होती है, और ये डीजल ऑपरेटेड बसेज PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स को सबसे ज्यादा हवा में घोलती है, जिसकी वजह से दिल्ली की आबोहवा खराब होती रहती है। तो अगर इन चीजों पर भी थोड़ी रोकथाम की जाए और सुधार किया जाए, और खास तौर पर अगर वाटर स्प्रिंकलिंग आनंद विहार, नरेला और बवाना जैसे इलाकों में बढ़ा दी जाए, तो हो सकता है कि उन जगहों का AQI भी कम हो सके। ये हालांकि एक राहत की सांस है उन लोगों के लिए जो सेंट्रल दिल्ली में आते हैं कि AQI थोड़ा सा कम गया। अगर इसी प्रकार से कड़ी चलती रही तो हो सकता है कि AQI 350 से 300 तक भी पहुंच जाए, जो और राहत लेकर आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।